नमस्कार, क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक हर खेल बंद हो गए हैं, हर इंटरनेशनल सीरीज रद्द हो गई है। फिलहाल आईपीएल का ये सीजन 15 अप्रैल तक के लिए टला है, लेकिन आईपीएल 13 के भविष्य पर कोई पुख्ता क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में तो क्रिकेट आज भी जारी है। पीएसएल यानी पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल राउंड शुरू होने वाला है। पाकिस्तान में अभी भी क्यों क्रिकेट है जारी, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात टीम इंडिया के उपकप्तान वाइस कैप्टन रोहित शर्मा की, जिन्होंने कैमरे पर सभी को कोरोना से सतर्क रहने की अपील की है। हेलो एवरीवन, रोहित शर्मा हियर। आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स। लास्ट फ्यू वीक्स हैव बीन टफ टाइम्स फॉर ऑल ऑफ अस एंड द वर्ल्ड हैज कम टू स्टैंड स्टिल, व्हिच इज वेरी वेरी सैड टू सी। एंड द ओनली वे वी कैन गेट बैक टू नॉर्मल इज बाय ऑल ऑफ अस कमिंग टुगेदर। एंड हाउ वी कैन डू दैट इज बाय बीइंग लिटिल स्मार्ट, लिटिल प्रोएक्टिव, नोइंग आवर सराउंडिंग्स, एंड एज एंड व्हेन यू गेट एनी सिम्टम्स, इन्फॉर्मिंग योर नियरेस्ट मेडिकल अथॉरिटीज। Because we all want the kids to go to the school, we all want to go to the malls, we all want to watch movies in the theaters, and I appreciate the effort of the doctors and the nurses around the world who have put their life at risk while taking care of the people who have tested positive. Last but not the least, my heart goes out to the people who have lost their life and their families. Take care and be safe. तो कोरोना की वजह से जब तमाम इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स रद्द हो रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग हो रहा है। और शोएब अख्तर की लाइव कमेंट्री आपने सुनी है, ऐसी कमेंट्री की वजह से उनकी भी जग हसाई हो रही है। कोरोना की वजह से भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज तो शुक्रवार को ही रद्द हो गई थी। भारतीय खिलाड़ी तो कब के अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम तो अभी भारत में ही है। जिस दिन सीरीज रद्द हुई, दक्षिण अफ्रीका और टीम इंडिया लखनऊ पहुंच चुके थे। कोरोना वायरस की वजह से साउथ अफ्रीकन टीम ने दिल्ली न आने का फैसला किया और अब वो कल कोलकाता से वापसी की उड़ान भरने वाले हैं। मुंह पर मास्क और चेहरे पर अजीब सा खौफ, ये तस्वीर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों की है जो आज दोपहर कोलकाता पहुंचे। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी चाहते तो दिल्ली या फिर मुंबई से अपने देश रवाना होने के लिए फ्लाइट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने दक्षिण अफ्रीका रवाना होने के लिए कोलकाता को चुना। इसकी वजह साफ है। दक्षिण अफ्रीका का टीम मैनेजमेंट कोलकाता एयरपोर्ट को दिल्ली की तुलना में ज्यादा सुरक्षित मान रहा है, क्योंकि बंगाल में कोरोना का अब तक एक भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया। दक्षिण अफ्रीका की टीम के कोलकाता पहुंचने के साथ बंगाल सरकार भी पूरी तरह अलर्ट पर है। बंगाल सरकार ने अफ्रीकी टीम को ठहरने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। टीम के स्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास स्थित वेस्टीन होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है। यह होटल भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर है और एयरपोर्ट के नजदीक भी है। यूं तो अफ्रीकी टीम के किसी भी खिलाड़ी में अब तक कोरोना का वायरस का कोई लक्षण नहीं मिला है, लेकिन सरकार किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। दक्षिण अफ्रीकी टीम आज दोपहर कोलकाता पहुंची। कल दक्षिण अफ्रीका की टीम अपने देश के लिए रवाना होगी। बुधवार सुबह दक्षिण अफ्रीका पहुंचेगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम दो अलग अलग रास्ते से घर लौटेगी। टीम के कुछ खिलाड़ी कोलकाता दुबई होते हुए जोहान्सबर्ग पहुंचेंगे। सपोर्ट स्टाफ और केप टाउन में रहने वाले खिलाड़ी दुबई के रास्ते सीधे केप टाउन पहुंचेंगे। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों को लेकर बीसीसीआई भी पूरी तरह एक्टिव है और वो बंगाल क्रिकेट संघ से लगातार टच में। बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अभिषेक डालमिया ने कहा है कि टीम आज दोपहर में कोलकाता पहुंची है, फिर अगली सुबह स्वदेश लौट जाएगी। बीसीसीआई एयरपोर्ट के पास ही होटल में उनके रुकने का इंतजाम हुआ है। इस बारे में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को जानकारी दे दी है। कोलकाता में कोरोना का एक भी मामला नहीं आया है, ऐसे में वो यहां से जाना चाहते हैं। हम दक्षिण अफ्रीकी टीम को पूरी मदद करेंगे, वो हमारे मेहमान हैं। विधान नगर के पुलिस कमिश्नर एलन मीना निजी तौर पर पूरे इंतजाम कर रहे हैं। इंतजाम पुख्ता है। अब जब कल दक्षिण अफ्रीकी टीम कोलकाता से रवाना होगी, तभी प्रशासन राहत की सांस लेगा। वैसे दक्षिण अफ्रीका की क्रिकेट टीम को स्वदेश पहुंचकर 14 दिन तक अलग थलग रहना पड़ सकता है। उन्हें परिवार के सदस्य से दूर रहने की सलाह दी गई है। और उम्मीद है कि जल्दी ही सभी दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। कोरोना का असर क्रिकेट की नहीं, दूसरे खेलों पर भी साफ नजर आ रहा है। दुनिया भर में हर बड़े सपोर्टिंग इवेंट को फिलहाल रद्द या फिर स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कोई भी देश या फेडरेशन इस मुश्किल वक्त में जोखिम नहीं उठाना चाहते। कोरोना ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है।
दुनिया भर में पीएसएल को छोड़ कहीं भी कोई भी खेल नहीं खेला जा रहा। आइए आपको दिखाते हैं कोरोना के कहर से दुनिया भर में क्रिकेट को छोड़ क्या असर पड़ा है। फुटबॉल में चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग स्थगित कर दी गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग भी 4 अप्रैल तक स्थगित है। ऑस्ट्रेलिया में फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्री भी रद्द है। वियतनाम ग्रैंड प्री, चाइनीज ग्रैंड प्री भी स्थगित कर दी गई। जर्मनी में होने वाला बॉक्सिंग वर्ल्ड कप भी रद्द है। टोक्यो में होने वाला ओलंपिक टेस्ट इवेंट भी कैंसिल कर दिया गया, जबकि दिल्ली में होने वाला शूटिंग वर्ल्ड कप भी स्थगित है। बास्केटबॉल में एनबीए स्थगित है। खैर, अब हर किसी को इंतजार है जल्द कोरोना नाम का वायरस इस दुनिया से खत्म होगा और फिर से खेल खचाखच भरे मैदान में खेले जाएंगे। क्रिकेट की बात में आज इतना ही। आगे चक्रव्यूह में ज्योति के साथ देखिए भोपाल में कमलनाथ सरकार को लेकर इस वक्त कैसी हालचाल।